नमस्कार, मैं हूं तान्या खन्ना। आप देख रहे हैं 4 बजे की इनसाइड स्टोरी। सबसे पहले बात बिहार की करते हैं। बिहार में दोपहर 3 बजे तक करीब 46% वोटिंग हुई है। चुनाव से जुड़ी तमाम खबरें हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए कि कैसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बूथ पर खूंखार बंदरों ने उत्पात मचाया। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बूथ पर इस बंदर ने कोहराम मचा दिया। ऐसे वो तो बंदर इतने में हमको काट लिया। आंसुओं से तरबतर इस बुजुर्ग महिला की यह हालत इस बंदर ने की है। तस्वीरें देखिए, बंदर ने इस महिला को हाथ पर काटा है। बंदर जो यहाँ के लोगों को, मतदाताओं को खासा परेशान कर रहा है। हमारे साथ एक महिला है जो अभी भी वोट देने आई थी। आप बताइए, आपके साथ क्या हुआ? बैठा हुआ तो बंदर था, हम तो यहाँ बैठे हुए थे, तो हम क्या जाने गए कि हमको काट लेगा। हम तो 3 गोरत भागी थे, हम कहे कि यहाँ पर आके बैठ जाइए तो नहीं काटेगा। तो बेचारी है वो आया बंदर तो चली गए, हम रह गए बैठ ले, चल ले नहीं जाता था, क्या करे सर, इतने में हमको काट लिया। इस महिला की तरह ही कई लोग इस बंदर के शिकार हुए। मेरे आँख के सामने तो 6-7 को काट चुके हैं। 2 का ट्रीटमेंट मैंने करवाया, 3 को ट्रीटमेंट करवाने के लिए ले जा रहा हूँ। इसी बालिका उच्च माध्यमिक स्कूल में पोलिंग बूथ बनाया गया है। ये पोलिंग बूथ नीतीश कुमार के क्षेत्र में आता है। यही नीतीश कुमार थोड़ी देर पहले वोट डाल कर गए, मगर बंदर का खौफ लोगों में किस कदर भरा है ये उन्हीं लोगों की जुबानी है। 10 महीने के अंदर में सर ये काफी लोगों को काट चुका है, समझे। और ये बंदर के मामले में प्रशासन को भी कहा गया, कोई सुनवाई नहीं हुआ। पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट से पूछा गया कि बंदर से बचने की क्या व्यवस्था है, तो उन्होंने क्या जवाब दिया ये भेज दिए। सर इसके लिए मैं अपने से सीनियर को कहा हूँ, वो बोले हैं कि वन विभाग वाले को भेज रहा हूँ, लेकिन अब वो वन विभाग वाले कब आएंगे, क्या कहूँ मैं सर। आपको बता दें कि बीते 10 महीनों से ये बंदर इसी स्कूल में रह रहा है। बंदर के उत्पात की वजह से लोग पोलिंग बूथ पर जाने से कतरा रहे हैं। अभिषेक चंद्रा, बख्तियारपुर, इंडिया न्यूज। तो बख्तियारपुर में बंदरों का आतंक आपने देखा, लेकिन अब आपको भोजपुर जिले के एक ऐसे गांव में लेकर चलते हैं जहां पर बंदरों का आतंक इतना ज्यादा है कि वहां के तो लोगों ने कह दिया है बंदर भगाओ और वोट पाओ। घर की छत पर बंदर, घर के छज्जे पर बंदर, बालकनी में बंदर, गली में बंदर, बिहार के आरा में बंधन टोला के हर घर पर बंदर, न जाने कितने बंदर। गांव का नाम है बंधन टोला, यानी लोग गांठ बांध लिए हैं कि जो बंदर भगाएगा उन्हें वोट मिलेगा। बंदर से इतना तबाह आदमी हो गया बा कि घर में से निकलल भी मुश्किल बा। हम सोचे हैं कि जब तक बंदर नहीं जाएगा तब तक वोट नहीं देंगे। गांव के लोगों को न तो विकास चाहिए न पेट की चिंता है, फिक्र बस इस बात की है कि इन बंदरों से कोई तो उन्हें महफूज रख सके। या जितने भी आप घर देखिएगा ना, चारों तरफ से ग्रिलिंग की हुई है, तो एक तो एक्स्ट्रा कॉस्ट हमारे ऊपर आता है, और दूसरी चीज ये हो जाती है कि हमारे कोई सामान लेके भाग जाएगा, कोई कपड़े फाड़ देगा, और कोई कपड़ा देखिए आप ऊपर नहीं देखिएगा सूखते हुए, और जो सुखाएगा वो डंडा लेके। इसलिए गाँव के लोगों ने कसम खा ली है कि वोट पाना है तो बंदर को भगाओ, जो बंदरों को भगा देगा उन्हें गांव का पूरा वोट मिल जाएगा। आशीष सिन्हा, इंडिया न्यूज, आरा।